वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिंकी श्रीवास्तव आपका सबका स्वागत करती हूँ मौनकला में। तो आज का वीडियो क्या है जानना चाहेंगे? आज के वीडियो में मैं आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को टाइटल से समझ ही आ गया होगा, कि बहुत ही आसान तरीके से आप खुद से मधुबनी पेंटिंग की साड़ी को किस तरह से बना सकते हैं, वो भी बिना ब्रश के, बिना एक्रेलिक कलर तो आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बिना ब्रशेस के, बिना कोई प्रोफेशनल आपको क्वालिफिकेशन लेने की ज़रूरत है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप इजीली आराम से, जैसे हम पेन से ब्रश काम करते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, पेन से ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप ही अपनी साड़ी को तैयार कर सकते हैं। मैंने ये साड़ी पूरी पेन से ही ड्रॉ करी हुई है, तो आप देख सकते हैं पेन से ड्रॉ करने के बाद ये वॉश भी हो गई है। वॉश होने के बाद भी कुछ भी ख़राब नहीं निकला है। मैंने एक वीडियो में वॉश करके भी दिखाया था, अभी इसमें तो नहीं उसको क्लिप को जोड़ पाई हूँ, लेकिन हाँ किसी दिन फिर से दिखा दूंगी आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये साड़ी का बॉर्डर मेरा। दोनों साइड इधर छोटा बॉर्डर था तो मैंने इधर भी छोटा सा क्रिएट किया है। इधर चौड़ा मेरे पास गोल्डन जरी वाला इसमें बॉर्डर था, उसके ऊपर भी हम किस तरीके से पेन के संग काम कर सकते हैं। और ये पेन वाटरप्रूफ पेन है, इनकी जो इंक है वो वाटरप्रूफ है, वो बिल्कुल भी वॉश करने पर नहीं जाती। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ धुलाई के बाद हल्की सी उनकी चमक कम हो जाए, वो तो एक्रेलिक कलर जब हम करते हैं तो उसकी भी हल्की सी चमक कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़राब हो गया। मेरी ये वॉश करी हुई साड़ी आप इसे देख सकते हैं, अभी भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल 19-20 अगर हम आँखों से देखें तो 19-20 अंतर आता है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट लग रही है ये साड़ी, कितना अच्छा लग रहा है। हाथ से किए हुए काम का मज़ा ही अलग है। आप लोग भी इस वीडियो को देखिए और इंस्पिरेशन लेके ज़रूर से इस तरीके से साड़ी अपने आप बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मधुबनी की ही साड़ी बनाएं, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो आपका मन करे। आप ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप वर्लिंग ड्रॉ कर सकते हैं साड़ी पे इन पेन की मदद से, आप डूडलिंग कर सकते हैं, जिनटैंगल कर सकते हैं, मंडला पैटर्न्स कर सकते हैं, और या कोई भी फोकार ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप ब्लैक एंड वाइट रखना चाहते हैं तो सिंपल ब्लैक पेन लीजिए और वाइट साड़ी लीजिए और उसके ऊपर कर दीजिए, तो भी हो जाएगा। ये पेन जो है मल्टी कलर मिलते हैं, तो आप इनसे आराम से काम कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक भी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। क्या क्या चीज़ करी है मैंने, कैसे करा है, बहुत आसान है। कोई भी फिगर आप बनाएंगे आराम से उस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं अपनी साड़ी पर। इसमें साड़ी जो इस्तेमाल करनी होगी आपको, या तो आप टिश्यू की, या फिर आप कॉटन की है ना, या ऑर्गेंजा की, या आर्कंडी की, इस तरीके की साड़ियों पर आप ये काम आराम से कर सकते हैं। हर तरीके की साड़ी के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये पेन अच्छे से चलेगा, लेकिन हाँ कॉटन की अगर आप साड़ी के लवर हैं, आप तांत की साड़ी के लवर हैं, आप आर्कंडी की साड़ी के लवर हैं, तो आप ज़रूर से इस साड़ी को ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और थम्सअप जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और प्यारे प्यारे से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये साड़ी कैसी लगी और आपने बनाई कि नहीं, मैं ये भी जानना चाहूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं फैब्रिक पे मधुबनी पेंटिंग कर रही हूँ बहुत इजी तरीके से, जिसके लिए मैं कुछ पैटर्न से तैयार कर रही हूँ, उनको मैं रिपीट करूँगी। इस पे पूरा बॉर्डर साड़ी का तैयार कर रही हूँ, देखिए इस तरीके से। और ये पैटर्न मैंने पहले पेपर पे मैं ड्रॉ करके रख रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि यही वाला मुझे पैटर्न करना है, मैं सारे रिपीट करूँगी पैटर्न, कुछ भी करती जाऊँगी बीच बीच में, लेकिन बस किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो मैं फैब्रिक पेन से यू बनाऊंगी पूरी। थोड़े से पैटर्न में ड्रॉ करके रखनी है ताकि उस समय जब मैं ड्रॉ करूँ तो मुझे ज्यादा सोचना ना पड़े, फट से मेरे पैटर्न्स बन जाएं। देखिए पैटर्न ड्रॉ कर लिया, अब मैं डायरेक्ट इस पे करूंगी कि मैंने अभी इतना करके रखा हुआ। ये देखिए फ्लावर बनाया है, बर्ड बनाई है, फिर लीफ और फ्लावर बनाया है। ये मैं हर एक थोड़े थोड़े दूर पर ले रही हूँ ताकि मेरा बॉर्डर में सिमेट्री आए, और बीच बीच में यहाँ मैंने पिकॉक बनाया, यहाँ मैंने फिश बनाई देखिए, और फिर इधर मैं अब एलिफेंट बना रही हूँ।
ये एलिफेंट ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं ये पैकेट पैटर्न रिपीट करूँगी और नेक्स्ट आगे फिर करूँगी। और इनको मैं ड्रॉ डायरेक्ट पेन से कर रही हूँ, ना कोई ट्रेस कर रही हूँ ना कुछ चीज़। आप भी फैब्रिक पेन आते हैं ये इस तरीके की, कोई भी मार्केट से फैब्रिक पेन ले सकते हैं। और अगर आप ब्रश से ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्ट तो ब्रश से करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद फिर मैं ये फैब्रिक कलर करूँगी। ये देखिए ये सारे फैब्रिक कलर आते हैं, इनको करेंगे हम लोग। पहले फिलहाल ड्रॉ करने का काम पूरा करते हैं। ड्रॉ में सारा ब्लैक पेन से ही कर रही हूँ, अपना ब्लैक फैब्रिक पेन है ये, इससे पूरी ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। मधुबनी पेंटिंग में बहुत अच्छी बात ये होती है कि आपको ये नहीं देखना होता कि हमारा सही बन रहा है कि नहीं, सब कुछ सही ही लगता है उसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस आपको कचरी भरनी वाले पैटर्न्स ट्राई करने होते हैं कि वो करेंगे तभी आपकी वो पेंटिंग मधुबनी लगेगी। ये तात की साड़ी, टसर साड़ी, सिल्क की साड़ी किसी पे भी कर सकते हैं, सब पे ये पेन चलेंगे। कॉटन की साड़ी बस प्लेन होनी चाहिए। अब मैं इस पे बॉर्डर पे, मेरा ये जरी जैसा बॉर्डर बना हुआ है साड़ी पे, मैं उस बॉर्डर के ऊपर कर रही हूँ। आप बॉर्डर से ऊपर भी कर सकते हैं, मैं बॉर्डर ही पूरा मधुबनी पैटर्न का ड्रॉ करना चाह रही हूँ। देखिए बड़ा बड़ा पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ और इनमें बीच की फिर जगहों पर कलर करूँगी। डबल लाइन करके हम इसे पूरा मधुबनी का लुक देंगे। ड्रॉ करने के लिए मैं ये पेन भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। कलर में डायरेक्ट अगर चाहूँ तो ये कलर्ड पेन से भी लाइंस बना सकती हूँ, फिलिंग का काम भी कर सकती हूँ। लेकिन बाकी ज़्यादातर फिलिंग का काम मैं अपने फैब्रिक कलर से करूँगी, ये वाले फैब्रिक कलर से। सिर्फ मैं ड्रॉ कर रही हूँ इससे, लाइंस जहाँ जहाँ मुझे देनी है वहाँ वहाँ मैं इससे लाइन्स दे रही हूँ। आप चाहें तो ये पेन से अंदर फिलिंग का काम कर सकते हैं, अगर छोटी छोटी जगह है उनको आप फिल करने का काम भी कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है ये फैब्रिक पेंटिंग का, ना तो ये कलर ये फैलता है ना ही धुलने के बाद जाता है। देखिए पेन में फैब्रिक पेन यूज़ कर रही हूँ, फैब्रिकल के भी फैब्रिक पेन आने लगे हैं। ये सेलो के हैं और फैब्रिक के भी हैं मेरे पास, वो भी हैं, दोनों तरीके के पेन मिलते हैं। आप किसी का भी फैब्रिक पेन ले लीजिए और उससे आराम से ये ड्राइंग ड्रॉ करके अपना काम आसान बना सकते हैं। फट से इसमें कलर फिल कर दीजिए, कलर फिलिंग के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं, बहुत महंगे भी नहीं है ये पेन और अच्छा हो कि आप सिर्फ इसको ड्रॉ करने का काम करें पेन से, बाकी फिर कलरिंग का काम इससे करें, ये फैब्रिक कलर से। बहुत सारे कलर इसमें हैं, देखिए आप कोई भी कलर लेके यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरी इतना ड्रॉ हो गया, ये मैं फिश पहले ड्रॉ कर चुकी हूँ, इससे पहले मैंने बर्ड किया था। मैं पूरे बॉर्डर पर जो भी पैटर्न मधुबनी में होते हैं वो थोड़े 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 सब ड्रॉ करूँगी। अब मैं ये फ्लावर वाला रिपीट करूँगी पैटर्न, इसके बाद फिर दूसरी चीज़ उठाऊँगी। फ्री हैंड ड्राइंग करिए मधु, और महीन काम भी आप करना चाहते हैं तो वो भी इस पेन से और बहुत महीन आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ब्रश से तो बहुत लोग करते हैं लेकिन ब्रश में हर एक का हाथ सेट नहीं हो पाता। कुछ भी ड्रॉ करेंगे सब अच्छा लगता है। फैब्रिक्रिल के भी आते हैं ये वाले पेन, आप फैब्रिक्रिल वाले पेन ले सकती हैं। जब मेरी पूरी साड़ी तैयार हो जाएगी तब मैं आपको इसकी पिक दिखाऊंगी।
अभी आप फैब्रिक पे किस तरीके से काम करें वो समझ लीजिए। मधुबनी में ये जो लाइंस का काम होता है कचनी वाला, ये हम लोगों को करने में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती है कि वो कैसे करें, ब्रश से उतना नीट नहीं आता है। तो आप उस काम को करने के लिए पेन, फैब्रिक पेन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्रश से करना चाहें तो 0 नंबर के ब्रश से भी कर सकते हैं, फिर वो आपको एक कलर में डिप करके करने होंगे। जितना चाहें वर्क आप बहुत ही क्विक और इजी मेथड से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप फटाफट अपना पूरा सूट, पूरी दुपट्टा, पूरी चुन्नी, कुछ भी आराम से कर सकते हैं, बेडशीट तक सब कुछ आराम से कर सकते हैं। ये सभी पेन से कर सकते हैं अगर आप ब्रश से नहीं करना चाहें। फिल भी करने का काम करना चाहें तो वो भी फिल कर सकते हैं। देखिए फटाफट इंस्टेंट सूख जाता है ये काम। आप करके तुरंत पहन सकते हैं, बस आपको कपड़े को थोड़ा सा पकड़ कर रखना होता है। ये देखिए मेरा फिश का पैटर्न भी तैयार है। कितनी जल्दी तैयार हो जाता है। अब मैं यही कलर्ड पेन से अंदर की फिलिंग का काम भी कर दूंगी। आप चाहें तो इससे फिल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें अपने काम में और ज़्यादा शाइन लाना चाहते हैं तो फिर आप यही पेन, यही कलर यूज़ करिएगा। फेविक्रिल वाले सिर्फ ड्रॉ करने के लिए इन पेन का इस्तेमाल करिए, और थोड़ा सा कचनी वर्क करने के लिए जो लाइंस होती हैं, बाकी सारे फिलिंग एरिया आप फैब्रिक कलर से करिए। अपने हाथ की बनाई हुई साड़ी या ड्रेस में आप जब काम किया हुआ पहनेंगे उसकी अलग ही बात होती है। मार्केट से कितना भी आप खरीद लें, लेकिन जो खुद बनाया हुआ काम अगर आपने पहना होगा तब आप देखिएगा कि कितना अप्रिशिएट किया जाता है आपके काम को, और आपको खुद को कितना अच्छा लगता है। अप्रिशिएट कोई करे या ना करे, लेकिन आपको खुद को कितना अच्छा लगता है। ये देखिए मैं फिर से यहाँ पर अपना लीफ और फ्लावर वाला पैटर्न रिपीट करूंगी, उसके बाद फिर पीकॉक बनाऊंगी। कुछ भी ट्रेस करने की जरूरत नहीं है इसमें, एक तो मधुबनी पैटर्न है ये, और फिर भी आप अगर बिल्कुल एक सा चाहते हैं तो आप आराम से एक पैटर्न ड्रॉ करिए और उसके बाद उसी को रिपीट करिए। पानी से धोने पर भी नहीं खराब होंगे। जाएगा नहीं ये कलर, ये फैब्रिक पेन है इसलिए। फैब्रिकल के भी फैब्रिक पेन मिलते हैं, अब मार्केट में मिलने शुरू हो गए हैं, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। ब्रश से हम ये कलर जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ करी हुई है उनके बीच बीच में जहाँ जहाँ हमने छोड़ा हुआ स्पेस वहाँ वहाँ मैं ये कलर फिल करूँगी। जो कलर भी मुझे करना है, जैसे ब्लू करना है या फिर पिंक करना है, रेड करना है, तो फ्लावर में वो करूँगी। लीफ में हाफ पोर्शन में मैं पेन से कर रही हूँ और हाफ साइड में ग्रीन कलर करूँगी। देखिए ये जो हाफ साइड है मैंने पेन से लाइन की है और हाफ साइड को मैं ग्रीन कलर करूँगी। मेरा बॉर्डर बहुत चौड़ा है तो मैं इसमें ज़्यादा महीन वर्क ना करके काफ़ी बड़ा बड़ा मोटा मोटा काम कर रही हूँ, और आपकी चॉइस है। आप अपने साड़ी पे, अपने सूट पे, अपने दुपट्टे पे, जिस पे भी करना चाहते हैं उस पे
अगर आप महीन काम करना चाहते हैं तो महीन भी कर सकते हैं, हल्का पेन चलाइए, बहुत हल्की लाइंस आएंगी और आपका पूरा काम हो जाएगा। ये देखिए, इधर मेरी ये फिश तैयार हो गई, इधर मैंने ये फ्लावर किया, फिर मैंने एलिफेंट बनाया, इससे पहले मैंने फिश बनाई थी, फिर ये पिकॉक बनाया था। कुछ भी किसके बाद भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं सोचा है कि ये नहीं करना है। पूरा बॉर्डर मुझे मधुबनी पैटर्न से ही फिल करना है। अब मैं इसमें एक बर्ड का पैटर्न बनाने जा रही हूँ। ये लाइंस में कलरफुल भी कर सकती हूँ। देखिए, आप जितना चाहे महीन काम कर सकते हैं। बकल कलर का पेन है, मैं बकल से कर रही हूँ। ये सब कलर के मिलते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, ऑरेंज, जिस भी कलर का आप लेना चाहें, जिस भी कलर से आप काम करना चाहें। और इसके बाद अंदर थोड़ा सा मधुबनी जो होती है वो बहुत डल कलर वाली है, ज़्यादातर ऐसे होती है फैब्रिक पे, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्राइट चाह रही हूँ अपने साड़ी पे, तो इसलिए मैं ड्रॉ ऐसे करूँगी। फिर उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं ये फैब्रिक के कलर्स यूज़ करूँगी, ताकि मेरी साड़ी की डिज़ाइनिंग थोड़ी सी और अच्छी लगे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। इसको पूरे कलर से फिल कर दूंगी। कलर फिल करने के लिए डायरेक्ट हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे ना करके एक्रेलिक कलर से करूँगी। एक करके दिखा देती हूँ आपसे, क्योंकि देखिए इन पेनों से भी हम डायरेक्ट अंदर फिलिंग का काम कर सकते हैं। ये धुलने पर भी नहीं जाते हैं, फैब्रिक कलर भी नहीं जाते हैं, आपकी चॉइस है, आप किससे भी करना चाहें करिए, लेकिन ड्रॉ करने का सबसे इजी मेथड तो मेरे हिसाब से इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। आप पेन से ड्रॉ करिए, फ्री हैंड ड्राइंग करिए। देखिए, एक पैटर्न में ये पूरा फिल करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए कि इससे भी हम फिल कर सकते हैं, और ब्रश से तो हम कर ही सकते हैं। ब्रश से तो नॉर्मली सभी लोग काम करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको करने में, फिनिशिंग नहीं आती तो गड़बड़ हो जाता है, और सूखने में भी टाइम चाहिए होता है। बस इनमें ज़्यादा कलर्स नहीं होते पेन में, ये चार पांच ही कलर होते हैं, तीन चार। और फैब्रिक के में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, जो फैब्रिक कलर हैं उसमें इतने शेड्स आते हैं कि आप बहुत ही कलरफुल अपनी ड्रेस को तैयार कर सकते हैं। कोई भी ड्रेस पे आप जो भी कर रहे हैं वो इतना कलरफुल हो सकता है, पर्पल, ग्रीन, बहुत सारे उनके भी अलग अलग शेड्स आते हैं, आप वो ट्राई करिए। देखिए, ये मेरा मधुबनी पैटर्न का पिकॉक तैयार हो गया। ये मैं फिर रिपीट करूँगी, आगे इसी तरह से कंटिन्यू करूँगी अपनी पूरी साड़ी को। तो ये मेरी बनके तैयार हो गई, और देखिए मैंने कैरी भी कर ली। अब आप लोग बताइए कैसी लग रही है, कितना खूबसूरत बॉर्डर निकल के आया है, पिकॉक कैसे इठला रहा है, फिश कैसे मचल रही है, दोनों छोटे छोटे बॉर्डर भी कितने क्यूट से लग रहे हैं, है ना, एकदम प्यारी सी साड़ी। बीच बीच में बूटियाँ भी डाली हैं। ये नीचे का बॉर्डर देखिए, बॉर्डर के ऊपर कंगूरे देखिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। लाइट कलर की साड़ी है तो और भी खिल रही है। बीच बीच में पूरी साड़ी में मैंने इस तरीके से बूटियाँ डाली हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ते हैं अगले एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।